स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ओवर द पास्ट ईयर कोरोना वायरस के बाद जो सबसे बड़ी चीज इस कम्युनिटी में फैली है वो प्रोबेबली अटैक ऑन टाइटन है, और मैं बस फैलना नहीं बोल रहा। ओह माय गॉड, हजारों एनिमे फैंस की एक साथ पॉडकास्ट में पार्टी हो रही है। टू द पॉइंट, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे लोग एनिमे कैरेक्टर्स की फोटो लगा के आ रहे थे, लोगों की नींद उड़ रही थी। इट्स जस्ट फन टू सी अटैक ऑन टाइटन की हाइप ने कितने सर ने लोगों को एनिमे एज ए मीडियम की टुवर्ड्स अट्रैक्ट किया है। बट नाउ अब अटैक ऑन टाइटन खत्म होने वाला है, एंड अब डेली सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलने के बाद हियर वी हैव अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। शुरुआती दौरान भी पहला एपिसोड पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग था कि कौन है ये सड़े हुए सोल्जर्स, कहां बच्चों के बीच में पटक दिया, क्या मैं इनकी परवाह भी करता हूं, और कहां राजस्थान में पटक के डाल दिया। मेरे को तो ये ओपनिंग बड़ी मस्त लगी। इनफैक्ट नेट पे बहुत सारे ओपिनियंस भी थे ऑन द ओपनिंग, वेरिंग फ्रॉम दिस इज गार्बेज, बेस्ट म्यूजिक एवर, मेरे कान से खून निकल गया और मुझे मजा आ रहा है। यू नो, हर एक सीजन में राइटर एक नया कंसेप्ट आई होक लाता है जिससे पूरे के पूरे शो को एक नया एंगल मिल जाता है एंड एब्सोल्युटली व्यूअर्स का दिमाग फोड़ देता है। तो हाँ, मैं भी काइंड ऑफ इसी चीज के लिए वेट कर रहा था जब तक मिडवे एपिसोड्स में सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था जो कि बैक इन सीजन 3 डिसाइड किया गया था। आई वॉज लविंग इट, बट एट द सेम टाइम मेरे को वो ओह माय गॉड हाँ ये वाला रिएक्शन नहीं मिला। मेरे को लगा था इसे मैंने इस वाले एपिसोड के बाद एरिन को थोड़ा सा रिबेलियस बना के इस सीजन का पत्ता खेल दिया है, जो कि पिछले सीजन को सरपास कर ही नहीं सकता। अब बस एरिन पहले की तरह थोड़ा बहुत रोना धोना करेगा, लीवाई पापा एक चमाट मारेंगे, दोनों नेशंस के बीच में एक वॉर होगी एंड छुट्टी। बट मैन, मैंने इसे को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। फर्स्ट रिएक्शन कर दिया। सेकेंड रिएक्शन, ओके, कोई अगर मेरे को साइड चूज करने के लिए बोले मैं नहीं करने वाला। शो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था कि जहां तक साइड चूज करना वाज द सेम एज बिग बॉस के अंदर अपने फेवरेट कैरेक्टर को 2 रुपए देके वोट देना, कोई भी नहीं। अगर कोई इस स्टेज पे भी आके अपनी फेवरेट साइड को चूज कर रहा है तो प्रोबेबली उसको उस कैरेक्टर से ऑब्सेशन है, जस्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स हमें दिखाई। ये सब छोड़ो, बात करते हैं डेथ नोट की। हाँ, वही छोटा सा सड़ा हुआ एनिमे जिसको कोई नहीं जानता। डेथ नोट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 2 पर्सपेक्टिव्स पे जिंदा था। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आसपास के सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड प्रीटी मच दोनों को कंक्लूड कर दिया जाता है किसी एक साइड को जिता के। अब तुम यही 2 साइड्स लेके वेरियस पर्सपेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यूजलेस फीमेल कैरेक्टर्स उसको रिप्लेस कर दो विद अटैक ऑन मिकासा प्लस 69 अदर्स, ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल दो, एंड देयर यू गो, तुमने सक्सेसफुली एक नया अटैक ऑन टाइटन बना लिया है। एंड आई हेट द फैक्ट स्टोरी इतनी बैलेंस्ड और वेल रिटन है कि मात्र एक एपिसोड में मैं जीक जैसे लिचर्ड कैरेक्टर की स्टोरी में एक्चुअली इन्वेस्टेड था एंड जेन्युइनली फेल्ट सिंपथी टुवर्ड्स। मैन में कई एक्सप्रेशंस बड़े मस्त लगते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने AOT के पहले सीजन के कुछ एपिसोड्स को रिवॉच किया था एंड मेरा दिमाग फट जाता है टू द अमाउंट ऑफ फोरशैडोइंग दैट गोज इनटू प्ले। तुम्हें से कुछ लोगों को फोरशैडोइंग का मतलब नहीं पता होगा, तो ये लो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। आर्मिन सबको कपड़े से अपना मुंह ढकने के लिए बोलता है ताकि फीमेल टाइटन को पता ना चले कि एरिन कौन है, लेकिन राइनर उसकी बात नहीं मानता। इसके 2 पॉसिबल रीजंस हैं। रीजन 1, अपने राइनर भाई साहब को गर्मी लग रही थी, लाइक कम ऑन यार, वो कोई सड़ा सा एल्डिन थोड़ी ना जो पूरे दिन घोड़े भगाते रहता है। रीजन 2, ताकि फीमेल टाइटन IE एनी को पता चल जाए कि वो एक्चुअली में बटहोलो राइनर है और वो उनको ना मारे। सिंपली पुटिंग इट, फोरशैडोइंग का ये मतलब है कि फ्यूचर इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी वार्निंग या हिंट दे देना जो कोई भी नोटिस नहीं करता है। और ना जाने इसके एग्जांपल्स कितने सारे हैं, 100 से भी ऊपर, बट मैं उसकी कोई बोरिंग एनालिटिकल वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई थिंक वी ऑल कैन अग्री अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स स्पेशली एरिन सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। आई बेट ये वही बंदा जो देन वर्सेस नाउ वाली टिकटॉक बनाता है। ऐसे सीन्स मेरे को मेरे जेंडर पे क्वेश्चन कर देते हैं, माय गॉड जो ये बंदा चेंज हुआ है। तुम्हारे पास सीजन 1 एरिन है, सीजन 2 एरिन सेम गाय, सीजन 3 एरिन सेम गाय, सीजन 3 पार्ट 2 एरिन सेम गाय, सीजन 4 मैं सॉक्ट लौंडा बन गया हूं। मेरे को पर्सनली मिकासा के लिए बहुत बुरा लगता है। मिकासा वहीं पे बीच में फंसी हुई है, शी नोज एरिन का वे ऑफ अचीविंग फ्रीडम उसके डिजायर्ड मेथड से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बट वो कुछ कर ही नहीं सकती। आई मीन जस्ट लुक एट हर, इमेजिन अपनी जिंदगी भर एक बंदे की मजदूरी करते रहो, उसके पीछे पड़े रहो, उसका ख्याल रखो, ये करो वो करो, और इन द एंडिंग जस्ट फॉर हिम टू से सॉरी मिकासा मैं सख्त लौंडा बन गया हूँ। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरे को नहीं लगता किसी और एनिमे ने अपने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से सीजन बाय सीजन ट्रांजिशन करा होगा। सख्त लौंडे का एग्जांपल ले लो, सीजन 4 का एरिन कंप्लीटली डिफरेंट है सीजन 1 से, बट इट जस्ट फील्स नेचुरल। ये वही सेम 14 साल का टाइटन मारने वाला पागल बच्चा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चेंज हुआ है। इस वाले एपिसोड के बाद पूरी की पूरी कम्युनिटी एक क्वेश्चन से बड़े गड्ढे में गिर गई थी, एरिन का चेंज होना वेदर बीट फॉर द गुड और बैड, किसको पता, वो तो अगले सीजन में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रिटिसिज्म्स पे, और मेरा क्रिटिसिज्म है देखो जैक कूल बनने की कोशिश कर रहा है, देखो कूल बनने की कोशिश कर रहा है जैक। लुक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीजे एकदम खराब थी, एंड ना ही मैं बोलूंगा इट वाज द बेस्ट, क्योंकि इट वाज प्रीटी गुड।
बहुत सारे सीन्स थे जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, इंक्लूडिंग लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन प्रोबेबली सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था, बट डू यू थिंक इट गॉट जस्टिस? बिल्कुल भी नहीं। बीस्ट टाइटन की ऑकवर्ड मूवमेंट्स और एंगल्स ने मेरी दुनिया घुमा दी थी। एंड और भी क्रिटिसम्स है कि कभी कभी जो टाइटन्स होते हैं वो किसी गेम में से निकले हुए एक्सप्रेशंस देते हैं जो कि मेरे को ना उस पर्टिकुलर मोमेंट से पूरा का पूरा जोन आउट कर देते हैं। बट डू यू रियली थिंक हमें ऐसा बोलना चाहिए कंसिडरिंग जो इससे पहले वाला स्टूडियो था उसने ऐसे सीन्स ऐसे सीन्स बनाने के लिए उसने 4 महीने लगा दिए थे, 4 महीने। Whereas नया वाला स्टूडियो IE मापा के पास कुछ टाइम था ही नहीं। आई मीन तुम इस बंदे का इंटरव्यू खुद ही देख लो। हाँ तो डायरेक्टर साहब आप पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा का पूरा सीजन मेरे लिए एक इवेंट की तरह था। मैं बता नहीं सकता सिंपली हाउ मच आई फेल्ट टुवर्ड्स एक एपिसोड। सबसे अच्छा वे होगा कि हर एक एपिसोड मेड मी फील लाइक मैं खुद उसको एक थिएटर में बैठ के देख रहा हूँ। इट वॉज मोर लाइक अ फेस्टिवल। इट वॉज मोर देन जस्ट एक एनिमे का एपिसोड देखना। हर एक एपिसोड के बाद इंटरनेट पर जाके अपना टट्टी ओपिनियन देना, अलग अलग ग्रुप्स बना के एक दूसरे के झंड मारना, एनिमे वॉचर्स और मांगा रीडर्स का कुत्तों की तरह लड़ना, इंडिया में हजारों के हजारों लोगों का एनिमे की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना, शायद ही कभी किसी एनिमे ने हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा प्रभाव डाला होगा। हाँ मेरे ख्याल से अटैक ऑन दिवाली बहुत ही बड़ी कॉमन कंट्रोवर्सी है कि अटैक ऑन टाइटन दूसरे एनिमे से बेहतर है कि नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था इट्स जस्ट बेटर, एंड मैं फिर से वापस इधर आ गया हूँ विद एक और ओपिनियन के साथ, इट्स जस्ट बेटर। बहुत सारे लोग ट्रिगर हुए थे एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी गालियां पड़ी थी कि ऐसे कैसे सुपीरियर हो सकता है क्योंकि वो है। सब कुछ एंड में आके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट कनेक्ट्स विद यू द मोस्ट। मैं खुद एक डूबा हुआ सा जाहिल सड़ा हुआ लिचर नारुतो टार्ड हूं जो पूरे दिन नारुतो से मोटिवेशन लेके झूला झूलता है, बट मैं इग्नोर नहीं करूंगा कि अटैक ऑन टाइटन क्वालिटी के टर्म्स में नारुतो से कोसों दूर है, बट आई स्टिल प्रेफर नारुतो क्योंकि मैं ज्यादा कनेक्टेड हूं। तो इसी पॉइंट्स लेके मैं कुछ फालतू बकवास करना चाहूंगा। तुम्हारे पास 90s का हीरो कोबे बीबॉप, देन 2000s के अंदर डेथ नोट जिसने एनिमे को पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया था, फुल मेटल अल्केमिस्ट जिसने एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था, नारुतो हैविंग वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स टिल डे, वन पीस की दुनिया की सुंदरता, सेवन डेडली सिंस, ब्लैक क्लोवर, ब्लीच, डेमन स्लेयर, ETC, लिस्ट बस चलती रहेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि सबके सब कंपैरिजन करते रहते हैं कि अटैक ऑन टाइटन दूसरों से बेहतर है या नहीं, बट किस टर्म्स पे? यू हैव नारुतो जिसके अंदर भर भर के प्लॉट होल्स है, वेरस अटैक ऑन टाइटन में ना के बराबर। डेथ नोट जिसके अंदर सिर्फ दो साइड्स हैं, ना जाने अटैक ऑन टाइटन ने उसको ना बना दिया, अनलाइक वन पीस हजार की जगह 70 एपिसोड में ही इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया बना डाली, डेमन स्लेयर एपिसोड 19 की हाइप हर एक एपिसोड तक मेंटेन करके रखी, फुल मेटल अल्केमिस्ट को एक स्टेप और ऊपर ले जाके एक ऐसी हाइट टच करी जो शायद ही कभी किसी एनिमे ने की हो। When was the last show? Yes, I mean show. निकालो इस खराब सी एंडिंग को साइड में। When was the last anime जो तुमने देखा था इतना डाइवर्स था एंड कुछ भी एक्सेसिव नहीं लगता था? When was the last anime you watched जिसके अंदर टॉपिक्स लाइक रेसिज्म, चाइल्ड अब्यूज, हॉरर इतने अच्छे से इस्तेमाल किए गए थे? When was the last anime you watched जिसके अंदर पॉलिटिक्स इतनी अच्छी थी? When was the last anime you watched जिसने 16 हफ्ते तक लगातार पूरे इंटरनेट पर राज किया? When was the last anime you watched जिसके अंदर ये सब कुछ था? Let me guess, ऐसा एक भी एनिमे नहीं है, एंड ये ही चीज है दैट मेक्स अटैक ऑन टाइटन परफेक्ट। हे गाइस, उम्मीद करता हूं तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई नो मैं बहुत लेट हूं, बट यू नो बोर्ड एग्जाम्स। वीडियो की एंडिंग मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। इनफैक्ट मैं चाहे कितना भी AOT को प्रेस कर लूं, मैं तब भी एक सड़ा हुआ नारुतो टार्ड ही रहूंगा। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मांगा ऑलरेडी एंड हो चुकी है जिसका मैंने एक भी पेज नहीं पढ़ा, तो मांगा रीडर्स को तो मैं कुछ बकवास करने वाला जेक्स जोकर सेनपाई ही लग रहूंगा। ये दूसरी एंड प्रोबेबली आखिरी वीडियो थी ऑन अटैक ऑन टाइटन बिफोर द लास्ट सीजन। जो लोग मेरे को रेगुलरली देखते हैं उनके लिए न्यूज़ है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के एंड में बोला था कि मैं बहुत ही टाइप की धमाकेदार डिफरेंट टाइप वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ। टर्न्स आउट वो वाला प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है एंड उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं उसके ऊपर साइड बाय साइड काम कर रहा हूँ और रेगुलर वीडियोज डालूंगा। इस वीडियो के बाद मैं वीकली या हद मार के 10 दिन में तो एक वीडियो डाल ही दूंगा। विद दैट बीइंग सेड, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तुम्हें पता है कि क्या करना है। और मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, पूरे दिन नल्लापंती करते रहो, एंड बाय।